खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है, जहां किसानों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु किसान आयोग का गठन करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के लिए डीएम उन्नाव को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि भारत हिंदू महासभा ने किसानों की समस्याओं के निराकरण और निस्तारण के लिए किसान आयोग का गठन करने की मांग उठाई है। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह व जिला महामंत्री शारदा सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए आज सुबह डीएम कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया और कहा कि देश व प्रदेशों के कई आयोगों के गठन हुए हैं, उस पे अमल हो रहा है, लेकिन किसानों के लिए आयोग के गठन में सरकार देरी क्यों कर रही है। आज आप डीएम ऑफिस आए थे, ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा? ये किसानों की मूलभूत समस्याओं से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारा किसान अन्नदाता भी कहा जाता है और मैं समझता हूँ कि देश का अन्नदाता मरे भूखा और प्यासा, उसकी बहुत जेन्यून समस्याएं हैं, बहुत गंभीर समस्याएं हैं। तो उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें हमने ज्ञापन के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को द्वारा जिलाधिकारी के देने का काम किया है। और हमारा बहुप्रतीक्षित एक किसान आयोग जो समाजवादी पार्टी सरकार में फाइलों में दब करके रह गया है बनने के बाद, उसे नए सिरे से उजागर किया जाए और किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे मवेशी की समस्या हो, डीजल पेट्रोल की समस्या हो, चाहे उसको महफूज रखने की समस्या, इस प्रकार की किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, उसके समर्थन मूल्य से लेकर के गन्ने का मूल्य लेकर के बढ़ी हुई कीमतें, जो खाद से लेकर के डीजल, ये सब चीज़ें जो देश का अन्नदाता है, जो हम सबका पेट भरता है और वही भूखा प्यासा है, अगर परेशान है तो जाहिर सी बात है कि वो एक बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सारी चीज़ों को बखूबी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। और हम इस ज्ञापन के माध्यम से उन्नाव जिले की हिंदू महासभा और पूरे प्रदेश की हिंदू महासभा आज के दिन जिलाधिकारी के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रही है और उनका ध्यान आकर्षण कर रही है, और यथाशीघ्र वो ज्ञापन उन तक जाएगा और मैं समझता हूँ किसानों की समस्याओं को वो अपनी तरह से सरकार के माध्यम से ठीक करने का काम करेगा।